हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एक एप्टीट्यूड का गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपका 2016 में आया था। तो देखिए क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल आपका नॉर्मली आप सिंप्लीफिकेशन का जो प्रॉब्लम होता है बहुत ही इजिली आप इसको आई थिंक विद इन 30 सेकेंड्स आप इसको बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और जो जो चीज दिया हुआ है जो जो बातें हमको पता चल पा रहा है क्वेश्चन पढ़ के वो हम पहले लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए क्वाड्रेटिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और रूट्स भी आपका दिया हुआ है क्या है अल्फा कॉमा बीटा। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जो आप माइनस बी बाय या फिर सी बाय जो फॉर्मूला आप याद करके रखे यहाँ पे आपको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर माइनस एन प्लस बीटा टू द पावर माइनस एन। अब बहुत लोग क्या कहेंगे कि क्वेश्चन में जो है आपका अल्फा और बीटा या फिर एन के टर्म्स में एक्चुअली वैल्यू चाहिए आपको, तो अल्फा और बीटा का तो वैल्यू ही नहीं पता है, लेकिन ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन पे है ये। जब आप इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ये अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर माइनस एन प्लस बीटा टू द पावर माइनस एन। तो अब देखिए अल्फा टू द पावर माइनस एन को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय अल्फा टू द पावर एन। तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 बाय बीटा टू द पावर एन। तो अब आपको यहाँ से बहुत ही सिंपली दिख रहा होगा जब आप ये जो डिनोमिनेटर पूरा डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इसमें जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन डिवाइडेड बाय जब आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा अल्फा टू द पावर एन इंटू बीटा टू द पावर एन, और आपका न्यूमरेटर में क्या मिलेगा बीटा टू द पावर एन प्लस अल्फा टू द पावर एन। तो देखिए आपका यहाँ पे ये अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन और ये वाला आपका बीटा टू द पावर एन प्लस अल्फा टू द पावर एन, बहुत ही ये आपको सिंपल मैथ से आपको पता है ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो टर्म था आपका ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यानी ये आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा अल्फा टू द पावर एन इंटू बीटा टू द पावर एन, क्योंकि ये और ये टर्म आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए अल्फा टू द पावर एन इंटू बीटा टू द पावर एन, जब देखिए आपका पावर जब आपका सेम होता है तो दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करके और होल टू द पावर एन आप लिख सकते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा होल टू द पावर एन। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, तो देयरफॉर ये आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 टू द पावर एन, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।